दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रोमांटिक पोएट्री से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए दोस्तों जो इंग्लिश ऑनर्स के फोर्थ सेमेस्टर में है, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि रोमांटिक पोएट्री उनके सिलेबस में इंक्लूड है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले अगर हम रोमांटिक पोएट्री के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जो फीचर आता है वो है थीम ऑफ कंट्री लाइफ। दोस्तों क्या हुआ था कि जब रोमांटिक पोएट्री में आप देखेंगे कि जो कंट्री लाइफ को लेकर लिखना स्टार्ट हो गया था, मतलब पहले क्या था, एरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी है उनको लेकर लिखना होता था, जो भी रिच सोसाइटी उनको लिखना होता, लेकिन रोमांटिक पोएट्री में क्या हुआ कि कंट्री लाइफ को लेकर एक प्योर जो एक साहित्य था, लिटरेचर था, उसको लिखना स्टार्ट हुआ। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है लव ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। अगर हम रोमांटिक पोएट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उस पोएट्री में लिबर्टी एंड फ्रीडम एक ऑफ इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है दोस्तों पोएट्री ऑफ ब्यूटी एंड जॉय। अगर आप रोमांटिक पोएट्री को पढ़ेंगे दोस्तों तब उसमें कोई सफरिंग नहीं है, कोई सोरो नहीं है, कोई दुख नहीं है। इट वाज़ द पोएट्री ऑफ जॉय एंड ब्यूटी फॉर एवर। ये एक जॉय और ब्यूटी का पोएट्री है। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है सुपर नेचुरलिज्म। रोमांटिक पोएट्री में दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सुपर नेचुरलिज्म, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल जो नेचुरल चीज़ों को लेकर ये पोएट्री लिखा गया था। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है डोमिनेंस ऑफ इमेजिनेशन इमोशन। दोस्तों अगर आप रोमांटिक पोएट्री को पढ़ेंगे तब आपको मतलब पहले क्या होता था, रीज़न को लेकर, मतलब कोई भी अगर पोएट्री लिखना होता था परफेक्ट रीज़न था, कारण था, लेकिन रोमांटिक पोएट्री में हम कह देते कि कारण रीज़न ये सब हट गया और वहाँ पर इमेजिनेशन और इमोशन एक मेन थीम लाकर मतलब खड़ा हो गया। पोएट ने इमेजिनेशन और इमोशन को लेकर लिखना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ये पांच इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने आज बात किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अच्छे रहिए, इतना ही, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।